स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, कहते हैं कि सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ, बात हम करते हैं अपने स्वास्थ्य की, कैसे रखें अपना ख्याल, लेकिन आज बात सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं करेंगे बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी करेंगे। जी हाँ, आजकल फैशन सब बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। हम सभी इस ओर बढ़ रहे हैं और इसे अच्छा माना जा रहा है। जैसे जैसे हम अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं अपने हेल्थ के प्रति, ध्यान यानी कि मेडिटेशन की ओर भी इस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ ट्रेंड बन करके ना रहे बल्कि हर कोई इसका लाभ उठाए, इसके महत्व को समझे, ये जानना जरूरी है। और ये तभी होगा जब हम इस पर बात करेंगे और इसके प्रति जागरूक होंगे। और यही वजह है कि आज का हमने विषय जो चुना है वो है ध्यान। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को परिचित कराया है हमारे आज के विषय से, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, जैसे कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि पतंजलि योग दर्शन में ध्यान 8 अंग है कुल मिलाकर के, जिनमें से ध्यान 7वें नंबर पर पाया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया है, डिस्कस कर चुके हैं इस पर, लेकिन अब यहाँ पर मेरा सवाल है कि आखिर क्या है ध्यान और कैसे करें इसकी शुरुआत, आप हमारे दर्शकों को बताएं। नंदिनी जी, आपने दो प्रश्न पूछे हैं जी। बहुत पहला बहुत महत्वपूर्ण बात पूछा है कि हमारा जो योग का आधार ग्रंथ है पतंजलि योग दर्शन, जो भारत के षड् दर्शन का एक अंग है, भगवान पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं जी। और ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो हमारा 7वां अंग है वो ध्यान है। और आपने पूछा है कि ये 7वें अंग का हम लाभ कैसे लें, क्योंकि इतने सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स पहले रहते हैं और 7वें नंबर पर ध्यान आया है, तो इस तक कैसे पहुंचा जाए। नंदिनी जी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने बहुत डीपली बात पूछी है। आम तौर से अगर पतंजलि योग दर्शन के अनुसार हम आचरण करें तो हमें सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और इन सब का अतिक्रमण करते हुए जब हम इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं, यही योग का उद्देश्य है जी। तो भगवान पतंजलि ने तो अष्टांग योग का मार्ग दिया, लेकिन एक भगवान पतंजलि के बाद जी एक और महान योगी हुए, उत्तर प्रदेश में ही हुए, अपने ही उत्तर प्रदेश में जी, रामचंद्र जी, जिन्होंने सहज योग का मार्ग आम जनता के लिए बताया। सहज योग नंदिनी जी एक ऐसा योग है जिसमें ध्यान के लिए हमें बाकी 6 पूर्व के स्टेप्स जो भगवान पतंजलि ने बताए हैं, वो बाकी के 6 स्टेप हमारे 7वें स्टेप की साधना करते समय अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो सहज मार्ग के प्रणेता हैं रामचंद्र जी महाराज, उन्होंने ये बात बताई। तो इस तरह से ये मुझे लगता है नाम भी इसका सहज योग इसीलिए है क्योंकि आसान हो गया एक तरीके से, क्योंकि जो पहले के 6 स्टेप्स हैं वो हमें नहीं फॉलो करने पड़ेंगे। क्या आम जन भी इससे कनेक्ट कर सकती है खुद को, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ वो लोग जो इसकी वैल्यू को समझते हैं, एक क्लास अलग होता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आम जन में उतना नहीं प्रचलित है जितना कि होना चाहिए, जितनी की जरूरत है, क्या लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सहज मार्ग की स्थापना रामचंद्र जी महाराज के शिष्य रामचंद्र जी ने ही की, जिनको लोग बाबूजी महाराज कहते हैं। अच्छा जी, बाबूजी महाराज ने इस विद्या को, इस गूढ़ विद्या को आम जनता के लिए सहज और लाभकारी बनाने के साथ साथ इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भी सहज मार्ग लोगों के सामने दिया, लोगों को दिया
और लाखों करोड़ों लोग इस विद्या से लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है शुरुआती कुछ सवालों में कि देखिए ये भी संभव है कि आप शुरू के जो 6 स्टेप हैं उनको ना करके सीधे इस ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं, ध्यान का लाभ उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं ये भी हम बताएंगे। और अब हम जानना चाहेंगे जिस ध्यान की अब हम चर्चा कर रहे हैं ये क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देना चाहें आम शब्दों में आम जनता के लिए, यहाँ पर हम ये जानेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल करें। हेलो, हमें कैंसर हो गया था। हेलो जी, जी बताएं। कीमो हो चुका है मेरा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि बेलपत्री खाने के लिए सुबह बासी पेट 11 पत्ती पीस के, तो वो क्या कितने दिन तक पीना उसको हमें? देखिए बेलपत्र का जो सेवन आप करते हैं ये शरीर के अंदर से एकत्रित, शरीर के आंतरिक अंगों में एकत्रित विष तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। जैसे भगवान शिव ने विष पान कर लिया था, भगवान शिव को विष पान करने के बाद बेलपत्र का सेवन करने से उस जो जानलेवा विष होता है, जहर होता है, उसके प्रभाव को शून्य कर दिया। ये तो भगवान का विषय था। हम लोग सामान्य इंसान हैं, हम लोगों के शरीर में सांस के माध्यम से, प्रदूषण की हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या दूसरे और बहुत सारे माध्यमों से शरीर के अंदर जो विष तत्व जाते हैं और ये शरीर के विभिन्न अंगों में इकट्ठे हो जाते हैं, इनको निकालने के लिए बेलपत्र का सेवन प्रातः काल खाली पेट अमृत के समान लाभकारी होता है। और इसको आप जब तक पूर्ण स्वस्थ ना हो जाएं तब तक लेते रहें। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर स्वस्थ व्यक्ति भी नंदिनी जी इनका सेवन करता रहे तो कोई नुकसान नहीं है, वो जल्दी बीमार नहीं होगा। और विशेषकर बड़ी बीमारियां जो आजकल घर घर में फैल रही हैं, घर घर में एक भय का वातावरण बन गया है कि कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, उससे आपको निश्चिंतता मिलेगी। तो जो उपाय बताया है डॉक्टर साहब ने आपको, तो कितने दिन करना है ये ना सोचें, जब तक आप फुली क्योर ना हो जाए तब तक करते रहें। और यहाँ तक कि हर स्वस्थ इंसान भी इसका सेवन कर सकता है, एक अच्छी आदत है, इसे अपने लाइफस्टाइल में शुमार कर लें। ठीक उसी तरह जैसे कि एक अच्छी आदत ध्यान है जिसे हम चाहते हैं कि आप आसानी से समझें और ईजिली किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में इसको शुमार कर लें, इसी पर जानने के लिए मैंने आपसे सवाल किया था कि साधारण शब्दों में एक आम जनता के लिए अगर हम उनको बताना चाहें कि ध्यान क्या है तो क्या बताएंगे आप? नंदिनी जी, साधारण शब्दों में ध्यान हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की स्वच्छता के साथ साथ मन मस्तिष्क की स्वच्छता भी है जी। ध्यान के बारे में कुछ शास्त्रों में भी उल्लेख जी, अगर आपकी अनुमति हो जी, तो मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये हमारी जड़ें हैं और इससे परिचित होना जरूरी है, मैं चाहूंगी कि आप बताएं। हमारे योग के आधार ग्रंथ घेरंड संहिता में लिखा है, अश्वमेध सहस्राणि च वाचपे शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य तुलाम न हरन्ति षोडशिव। इसका मतलब मोटे तौर से नंदिनी जी है कि अश्वमेध यज्ञ जो होते हैं, सहस्राणि, शतानि वाचपे, वाजपेयी जो सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का जो कर्म फल होता है वो एक ध्यान के एक पल के बराबर भी उसके लाभ की तुलना, उसके फल की तुलना नहीं की जा सकती। एक और अगर आपकी अनुमति हो जी, बिल्कुल, तो कहना चाहता हूं जी।
ध्यान धारणा के बारे में कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि यस्तु तिष्ठति कौन्ते धारणाशु यथा विधि मरणम जलनम दुखम च सुखम चसु विमोच्यति। अगर हम एक ध्यान के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, ध्यान के मार्ग पर बढ़ जाते, यस्तु तिष्ठति कौन्ते, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान के मार्ग पर चलने से हम जन्म मरण दुख सुख सब के झंझट से मुक्त होके ये आत्मा परमात्मा बन जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है जी। तो ये हमारे शास्त्रों में जो लाभ बताए गए हैं। लेकिन नंदिनी जी यहाँ थोड़ा सा फर्क है, आज का जो इंसान है जी। वो ध्यान को केवल अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए करता, हाँ। उसका आध्यात्मिक आत्मा को परमात्मा का उद्देश्य यहाँ तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता है, सोच भी नहीं पाता है। सोच, हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं अगर चाहूंगी, देखिए अगर आध्यात्मिक फायदा भी है इसका, तो व्यवहारिक रूप से कैसे उसको कनेक्ट किया जाए, युवाओं का जानना बहुत जरूरी है अगर ये सच है तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, कुछ कहें इस पर। नंदिनी जी, मैं कहता हूँ कि युवा भले उस चीज में बिलीव ना करें, लेकिन वो तो उन्हें फल मिलना ही है। आप उस रास्ते पे, आप कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं जी, ट्रेन में बैठे तो दिल्ली स्टेशन तो मिलना ही मिलना है, हाँ। आपको वो लक्ष्य तो प्राप्त होना ही है। आप उस मार्ग पे चल दीजिए। और एक और बात घेरंड संहिता में कही है, आपने बात की तो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल। मनसा वाचा कर्मणा धारणा पंच दुर्लभा विज्ञा सत्तम योगी सर्व दुखे प्रमुच्यते। आप धारणा और ध्यान के मार्ग पर जब जाते हैं तो सर्व दुखे प्रमुच्यते, आपको मानसिक शारीरिक जितने भी प्रकार के दुख हैं, पारिवारिक सामाजिक, सारे दुखों से मुक्त मिल जाती है। और ईश्वर की परम कृपा, ईश्वर का परम आशीर्वाद आपके साथ मिल जाता। तो दुखों से मुक्ति के लिए, जी जी, दुखों से मुक्ति के लिए युवा क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बताया जा रहा है उस पर गौर करना जरूरी, क्योंकि असल में व्यवहारिक है। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल कर लें। हेलो मैम, हमारा नाम सीमा है। मैम हमारा कॉल डिसकनेक्ट मत करिएगा, इसी के जरिए बात करा दीजिएगा। मैम हमारे जो बाल है ना, तो वो ऊपर सर पे तो है, फिर वो जैसे थोड़ी दूर तक आते आते वो बीच में टूट जाते हैं, और नीचे आते आते तक पूरी चोटी जो है एकदम पतली हो जाती है, मतलब पूरा बाल एक ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाता है जी। तो डॉक्टर साहब देखिए, हाँ। बालों की जो समस्या आपने शेयर की, इसमें दो बड़ी चीजें जुड़ी हैं। पहली चीज, आप मानसिक तनाव के कारण ये समस्या कहीं आपका विकराल रूप तो नहीं लेती जा रही है। दूसरा, आपके आहार में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बालों को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपको दो सलाह है। पहला कि आप ब्रेकफास्ट में अंकुरित अनाज और फल को खाना शुरू करिए। आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, तली मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें। दूसरा सलाह है कि आप सहज ध्यान की तरफ बढ़ें। देखिए इनको यही सलाह जी। हाँ, हमारे जो बाबूजी महाराज जी, इन्होंने योग के ध्यान को इतना सुलभ कर दिया अपनी साधना के द्वारा, इतना सहज मार्ग बता दिया है कि ये मार्ग आपको मानसिक तनाव से ही मुक्त नहीं दिलाएगा, आपको आनंदमय और प्रसन्नता में जीवन जीने की रास्ता भी बताएगा। तो आप एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्य का उदय जी, मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक को आप पढ़ें और फिर देखिए जीवन का आनंद उठाएं।
तो जैसा कि आपको सलाह भी दी है डॉक्टर साहब ने कि क्या करना है इसके लिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस ना लें और ध्यान की ओर अगर आप बढ़ेंगी मुख करेंगे उस ओर तो लाभ होगा। सहज ध्यान की आपने इनको बात कही, और इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे थे कि सभी दुखों की मुक्ति हो जाएगी, तीसरा पॉइंट आप रखने वाले थे, मैं चाहूँगी इस पर भी अगर आप कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि युवा जो है वो दुखों से दूर जाने के लिए इंजॉयमेंट के नाम के लिए यानी कि खुशी के लम्हों को महसूस करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछा, जो ये सहज मार्ग है जी, जो ध्यान का ये भगवान पतंजलि के बाद सबसे सहजतम और सबसे सरलतम स्वरूप जी, जिसमें हमारी शारीरिक और मानसिक उन्नति के साथ साथ हमें आध्यात्मिक उन्नति की भी उपलब्धि प्राप्त होती है। एक बहुत सुंदर सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबूजी महाराज के बाद जी, उनके आत्मा का परमात्मा में विलय होने के बाद सहज मार्ग के जो प्रणेता हैं वर्तमान में जी, वो हैं दाजी जी महाराज। अच्छा जी, दाजी जी महाराज ने एक इतना सुंदर स्वरूप ध्यान का दिया, हार्टफुलनेस जी, ये बहुत प्रचलित शब्द होता जा रहा है। उन्होंने इस चीज को देखा कि सामान्य रूप से युवा, जो युवाओं की आपने बात की जी, युवा ध्यान में तभी जाता है जब उसे डिप्रेशन होता है, हाँ, जब उसके पल्पिटेशन बढ़ता है, जब उसके घबराहट बढ़ती है, जब उसके अंदर निगेटिविटी आती है, जब उसका काम में मन नहीं लगता, जब उसका अंदर क्रोध बढ़ता है। और ऐसा क्यों, आखिर क्यों वो तभी जाता है, और ये हार्टफुलनेस क्या है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन अगले कॉलर हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। आप कानपुर से दीवान बोल रहा हूँ नंदिनी जी, और पोवाल साहब नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा देखता हूँ आपके प्रोग्राम को। और नंदिनी जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे से क्वेश्चन पूछ लेती हैं जो कि हम लोग करने वाले होते हैं और आप कर लेती हैं। एक मेरा सवाल है कि बच्चा है 12-13 साल का, उसको खांसी नहीं बंद हो रही है, उसको सीरप वगैरह दे रहे हैं मगर खांसी बंद नहीं हो जी। देखिए 12-13 साल के बच्चे को नियमित रूप से खांसी आना, ज़्यादा संभावना है कि उस बच्चे की इम्यूनिटी कम हो और उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो। आप बाजार से किसी भी कंपनी का बना हुआ कंठ कार्या अवले, इसको एक बार फिर नोट कर लीजिए, एक आयुर्वेदिक औषधि होती है कंठ कार्या अवले और सितोपलादी चूर्ण, ये हर बड़ी कंपनी बनाती है और सहजता से बाजार में मिल जाएगा। एक चम्मच सितोपलादी चूर्ण, मतलब 3-5 ग्राम सितोपलादी चूर्ण और एक चम्मच जो चटनी होती है कंठ कार्यावले, दोनों को मिला के दिन में 3 बार आप चटा दीजिए, अगले शनिवार को आप बताएंगे कि खांसी को नमस्ते हो, जिससे आप और बच्चे दिनों से की इम्यूनिटी हाँ। भी बढ़ेगी जी। और जल्दी बच्चा बीमार नहीं होगा। तो इससे खांसी की समस्या के अगर मुख्य कारण है तो वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का कम होना है, जिस पर काम किया जाएगा जो उपाय बताया है उसके जरिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों युवा जब डिप्रेशन में होता है, जब परेशान हो जाता है सब तरीके से, तभी ध्यान की ओर जाता है, ऐसा क्यों? और साथ ही हार्टफुलनेस, आखिर है क्या ये हार्टफुलनेस? हार्टफुलनेस है क्या जी नंदिनी जी, और जो आपने पहला प्रश्न पूछा उसी का जवाब हार्टफुलनेस है। अच्छा, कि जब युवा परेशान हो जाता है, निगेटिविटी आ जाती, एक्चुअल में इस सहज मार्ग के वर्तमान जो प्रणेता हैं दाजी जी महाराज, ये दाजी जी महाराज एक पहुंचे हुए योगी हैं। इस महान व्यक्तित्व ने ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं, ये जी। ध्यान के मर्म को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये, और इतना सरल ढंग से। उन्होंने जब दाजी जी महाराज ने इस चीज को देखा कि
आज युवा वर्ग और पूरी दुनिया का युवा वर्ग डिप्रेशन, निगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जिसको ये कहते हैं दिल टूट गया जी, दिल टूटने की समस्या, टूटा हुआ दिल लेके घूमते हैं जी। जैसे कोई काम करने के लिए गए, बिजनेस में लॉस हो गया, बोले अब मेरा दिल टूट गया बिजनेस से, अब नौकरी कर। ऐसे युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने बाबूजी महाराज का जो सहज ध्यान का मार्ग है उसको और सहज कर दिया, सहज को और सहज कर दिया। और आज के युवा वर्ग को उसका इतना लाभ हुआ कि बड़े बड़े डिप्रेशन के मरीज, इंसोम्निया के मरीज, निगेटिविटी जिनके चारों तरफ थी, और वो आधी घंटे के ध्यान के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है, उनके अंदर इतना इतना प्रसन्नता, उत्साह आ जाता है कि वो जीवन की दौड़ में फिर जो कोई भी दौड़ हो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दाजी जी महाराज कहते हैं कि आप भौतिक कार्यों में खूब उन्नति करो जी। लेकिन अगर ध्यान को उपलब्ध हो गए तो ईश्वर की कृपा, प्रकृति की परम आशीर्वाद तो आपको मिलना ही मिलना है, और वो मिलेगा तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तो ध्यान की ओर किस तरह से अपने ध्यान को लेकर के जाएं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत सारे सवाल हैं अभी मेरे पास और आपसे भी सवाल और जवाब करने का सिलसिला चलेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मम्मा बैग बहुत हैवी है। दूध, अंडा, दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किसमें है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडे या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। हेल्दी रहना सिंपल है। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड, प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। शहर में पहली बार 3 धमाके एक साथ, ट्रिपल सेल्स स्कीम अप टू 62% ऑफ त्रिलगन सारीज। शहर में पहली बार सेल्स स्कीम के साथ दूसरी सेल्स स्कीम का लाभ उठाइए। अभी बात यही खत्म नहीं हुई है, प्रत्येक 5,000 की खरीद पर एक डोनियर का पैंट शर्ट जिसकी MRP 630 रुपए पाए बिल्कुल मुफ्त। जल्दी आए जल्दी पाए, इसकी अवधि बहुत लिमिटेड है। श्रीलगन सारीज, दर्शन पूर्वा एवं तिलक नगर, कानपुर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। We'll be right back.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ध्यान को, और जिस तरह से बात करते करते चर्चा चल पड़ी है हार्टफुलनेस मेडिटेशन को लेकर, आपने इसका जैसे कि हमारे युवाओं को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक फायदा तो बता दिया, हमने बात कर ली कि भाई किस तरीके से ये हमें फिर से हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको दूर कर देते हैं। लेकिन महज बात कर लेने में और सच में ऐसा होने में, मैं चाहूंगी कि आप इसका कुछ व्यवहारिक अगर आधार बताएं, और जैसे कि वैज्ञानिक तौर पर किस तरह से असर करता है, कुछ तथ्य अगर पेश करें जिस पर हमारे युवा विश्वास कर सके, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और आज के ये आवाज, ये बात आज के हर युवा की आवाज जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमूमन 70,000 विचार जी, 50,000 से 70,000 विचार जी हमारे मन के अंदर आते रहे, आते हैं जी, लगातार आते हैं, और इनमें 70% से भी अधिक, ये मैन टू मैन डिफर करता है, लेकिन एवरेज 70% से अधिक विचार निगेटिविटी वाले, नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव। और जो दाजी जी महाराज हैं, जो सहज योग के वर्तमान युग के महान संत और महान प्रणेता हैं जी, हार्टफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट आज समाज के सामने रख के करोड़ों युवाओं को दुखों से मुक्त कर दिया है, वो कहते हैं कि जो निगेटिविटी आती है हर इंसान के अंदर आती है, सामान्य इंसान और मेडिटेशन करने वाले इंसान के अंदर फर्क होता है नंदिनी जी। सामान्य इंसान के अंदर अगर 70% निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मेडिटेशन की, हार्टफुलनेस की साधना में जाने के बाद ये रेशियो धीरे 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 कम होता जाता जी। मैं एक अपना उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें। जी बिल्कुल दें। मैं एक भारत सरकार के साथ दाजी जी महाराज का एक MOU साइन हुआ, जिस योग का, जिसमें देश के लाखों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचे। मैंने उसमें, मैं एक सामान, मैं हार्टफुलनेस का साधक नहीं था जी, साधक नहीं था, ठीक है, एक महीने पहले की बात है। हाँ। मैं उसका साधक नहीं था, मैं अपना ध्यान करता था, जो भगवान पतंजलि ने जो रास्ता बताया उस रास्ते जी। मैंने उसमें 50 कमियां देखी, 50 कमियां, मैंने कहा ये गलत। दाजी जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसको पॉजिटिव वे में देखो, समाज का कल्याण करना है। यानी उन्हीं पॉइंट्स को जो आपको कमियां लगते थे, उन्हीं को पॉजिटिव वे में देखने के लिए कहा। जब मैंने उस मेडिटेशन में, हार्टफुलनेस में गया, तो मेरे अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि मैंने उस निगेटिविटी से दूर होके उनका समाज के लिए कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग हो, कैसे हम एक युवाओं के लिए एक नया रास्ता तय कर सकते हैं, उनकी आनंद का, उनकी खुशियों का, उनकी प्रसन्नता का, और उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल ली। तो ये निगेटिविटी होता क्या है, आम इंसान, मैं भी आम इंसान जी, तो होता क्या है, कोई चीज पढ़ा, देखा रे इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। हाँ। इसमें तो बहुत सारी भूलें हुई हैं। हाँ। गलतियां हुई, ये बहुत होता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। दाजी जी महाराज ऐसा संत व्यक्तित्व है, जो सहज मार्ग का, जो हार्टफुलनेस के प्रणेता हैं वर्तमान, वो कहते हैं कुछ नहीं, आप ध्यान को उपलब्ध हो जाओ, हार्टफुलनेस के रास्ते पे चलो, पॉजिटिविटी आएगी, और उसमें से भी अच्छे से अच्छा ढूंढ जी। देखिए जिस तरीके से कहा हमने कि पॉजिटिविटी की ओर जाएं, बढ़ते जाएं, आखिर वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे हम उस ओर बढ़ते हैं, अगर व्यवहारिक तौर पर स्टेप बाय स्टेप बात की जाए कि कौन से थॉट हमारे अंदर आने लगते हैं, प्रैक्टिकली कौन कौन से चेंजेस होने लगते हैं जिसके बाद फिर नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। नंदिनी जी आपने तो बहुत सुंदर बात पूछ दी, आज आप बहुत कठिन बात पूछ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ये जैसे हार्टफुलनेस में हम गए, मेडिटेशन में गए जी, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या परिवर्तन आते हैं, हम क्यों जाएं जी, इस ध्यान को करने से
क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से मैं महसूस होते हैं कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं। देखिए जो अभी मैंने आपको कहा हाँ। कि जो 50 से 70 हजार खराब निगेटिव सॉरी 50 से 70 हजार विचार आते हाँ। इसमें 70% निगेटिव थॉट्स होते हैं निगेटिविटी वाले। अगर ये 70 से 60 हो गए 65 हो गए 40 हो गए 30 हो गए 20 हो गए तो हम दूसरों से अच्छा हमारा जीवन हमेशा पॉजिटिव आनंद खुशियां और उत्साह हमारे साथ बस यही रास्ता हार्टफुलनेस का रास्ता जी। और ये वैज्ञानिक हाँ दाजी जी महाराज कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो प्रकृति से खराब वेब्स होती हैं इस हार्टफुलनेस इस सहज ध्यान के द्वारा हम इस खराब जो वेब्स हैं वातावरण की उनको वापस प्रकृति में भेज देते हैं और यहाँ आनंद और प्रसन्नता देने वाली पॉजिटिव वेब्स आ जाती। आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने जा रहा हूँ। आपने पूछा था कि आज की युवा कैसे भरोसा करें क्यों करें यो जी। ध्यान यही आपका प्रश्न जी, है जी। तो देखिए हार्टफुलनेस में ये साइंटिफिकली प्रूफ बात बता रहा हूँ मेडिटेशन के लिए जब आप बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारे मस्तिष्क के अंदर नंदिनी जी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन अभी तो हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता जी। जैसे इन हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे शरीर के अंदर केवल मस्तिष्क के अंदर नहीं शरीर के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन लाता है। जैसा है जैसे एक हम साधारण सा उदाहरण दें डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी उदासी दूर करता है जी। हमारे निगेटिव थॉट्स को कम करता है। अभी आपने पूछा कि आप कह देते हैं कि 70% निगेटिविटी निगेटिव थॉट्स आते हैं ये कम कैसे हुए कैसे पता लगे हाँ। मैं कहता हूं कि आप हार्टफुलनेस के रास्ते पे चले आप उस ध्यान को उपलब्ध हुए और आपने अपना हार्मोनल टेस्ट कराया डोपामिन का टेस्ट करा लीजिए जी जी। डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात तो नंदिनी जी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर स्वयं अब जैसे डोपामिन क्या होता है उदासी दूर करने वाला आसन हार्मोन होता है हाँ। ये आनंद देने वाला प्रसन्नता देने वाला खुशहाली देने वाला और सफलता के रास्ते पर ले जाने वाला हार्मोन है। ये हमें जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जैसे यहाँ से लखनऊ जाना डर लग रहा है हर बात पे हाँ, छोटी-छोटी मामूली सी बात पूरा नहीं हाँ। कर पाते उसको पूरा करने का कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला होता है ये हार्मोन। और यही नहीं और भी कई हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है जी बहुत। तो ये इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं बकायदा टेस्ट के द्वारा इन चीजों को वैज्ञानिक आधार है इन सभी बातों का। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो 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 स्वागत है आपका सवाल करें। हेलो हाँ भाई साहब हाँ अगर परिवर्तन नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए। अगर परिवर्तन ना आए ध्यान से ही जुड़ा इनका सवाल है ध्यान की ओर हम बढ़ चुके हैं कर रहे लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा ऐसी स्थिति। मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि आप पहली सिटिंग के बाद परिवर्तन आएगा पहली सिटिंग के बाद आपको एहसास हो जाएगा निश्चित रूप से एहसास हो जाएगा। लेकिन नंदिनी जी जो मैडम ने कहा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पारिवारिक जिम्मेदारियां सामाजिक तनाव ये सब चीजें बहुत सारी चीजें दिमाग को पजल्ट कर देती हैं जी। उनके जो जो 50-60 हजार जो विचार आते हैं उनमें निगेटिव थॉट्स की मात्रा 80% 90% से भी ज्यादा होती जी। तो उसको ये कम करता होता क्या है अब 80 को अगर मान लीजिए उसने
78 कर दिया, 75 सही किया, तो आदमी एहसास नहीं कर पाता। लेकिन आप भरोसा रखिए, और आपको हार्टफुलनेस को कभी टेस्ट करना हो तो 4 हार्मोन है, एडोर्फिन, ये हार्मोन होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है नंदिनी जी, आंसू आने की इच्छा होती है लोगों, रोने का दिल करता है बिना वजह, उस समय ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और रोने के बाद आदमी बड़ा रिलैक्स फील करता है जी। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज रोएं जी जी। ये हार्मोन हंसना, प्रसन्नता और हल्कापन लाता। आप देखिएगा ध्यान में वो लोग ज्यादा जाते हैं जिनके आलसी लोग, थकान, विशेषकर युवा जी जी, उठ नहीं पा रहे, 11-11 बजे उठ रहे, शरीर दर्द कर रहा है, कोई जांच कराते कुछ नहीं है जी। ये ऐसे लोगों के लिए एंडोर्फिन का सिक्रीशन कम हो जाता, ये बढ़ा देता है हार्टफुलनेस। दाजी जी महाराज की कृपा से जो ये अमृत मिला है जी, ये इसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है, और व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, सवेरे 5 बजे उठ जाता है जी। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, तीसरा हार्मोन नंदिनी जी, ये उदासी दूर करता है। बहुत से लोग है रसमलाई भी खा रहे हैं, रबड़ी भी खा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं। हाँ। कोई उनका लॉटरी भी लग गया तो भी बहुत से लोगों जी। ये हार्मोन ये हार्टफुलनेस से तुरंत इसके सिक्रीशन बढ़ते हैं। हाँ। और ऑक्सीटोसिन का जो चौथा हार्मोन है, ये लव हार्मोन कहा जाता है जी। बहुत से लोग एंजाइटी, क्रोध, कपड़े तक को नचोड़ देते हैं उस टाइम पे, उनका गुस्सा देखने को मिलता है, दांत पीसते हैं जी। ऐसे लोग आप देखेंगे इस हार्टफुलनेस की शरण में जाके, जब ये ध्यान की शरण में जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का भी सिक्रीशन नॉर्मल हो जाता है। और जब ये चारों हार्मोन का सिक्रीशन शरीर की जरूरत के अनुसार होने लगता है, तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन, निगेटिविटी, आलस, थकान, शरीर में दर्द बता रहे हैं, इन सब से मुक्त, और जो उसका पारिवारिक दायित्व है, जो उसका सामाजिक दायित्व है, और जो उसका जीवन का लक्ष्य है, इन तीनों की प्राप्ति करता। जीवन का लक्ष्य माने इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दे। सामान्य रूप से क्या होता है, हम लोग जो कर्म करते हैं जी, नंदिनी जी, जी ये कर्म का फल भोगने के लिए हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा कर्म भोगने अच्छा कर्म फल मिलेगा, बिल्कुल। तो हम कर्म फल भोगने के चक्कर में जन्म हो जाता है जी। लेकिन जो सहज ध्यान का मार्ग है, ये नंदिनी जी हमें राजयोग की अवस्था में ले जाता जी। इसमें गुरु की कृपा से, इसमें गुरु के आशीर्वाद से हम महापार्षद की अवस्था में, हम राजयोग की अवस्था तक में पहुंच सकते हैं। बस हमारा समर्पण, हमारा उपलब्धि वहां तक हमें ले जा सकता। तो जिस तरह से हमने जाना कि योग के माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिस तरह से हमने जाना कि देखिए जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं अपने जीवन का, जरूरी नहीं है कि वो ही हमें सुख दे, असली जो सुख की स्थिति है उससे आपने अभी परिचय कराया। अब जैसे कि आपने जिस स्थिति की ओर जाने के लिए बात की, राजयोग की ओर जाने की बात की, अगर इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह का अनुभव होता होगा जब हम अगर मेडिटेशन करते हैं और जाते हैं, इस पर अगर कुछ बताएं आप तो। नंदिनी जी, राजयोग योग की ध्यान की जी, योग के योग जो भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया है जी, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है। बहिरंग अच्छा, योग जी जी। धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग के अंतर्गत आते हैं। आपने पूछा है राजयोग में क्या अनुभव, देखिए एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए जी, मीठा फल खिला दीजिए, वो क्या कह सकता है, ये चीजें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, बयान नहीं की जा सकती, लेकिन समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है इसके। क्योंकि व्यक्ति जब ईश्वरत्व, जब उसके सराउंडिंग अच्छी वेप्स आ जाती, दाजी जी महाराज कहते हैं
कि जब हमारे सराउंडिंग खराब वेब्स का रिंग बन जाता है, एक आभा मंडल खराब वेब्स से, आभा मंडल है लेकिन खराब है वो, खराब जो जब हमारे कर्म खराब होते, हम खराब लोगों के साथ जुड़े हैं, हम खराब सोच रहे हैं, तो ये सब वेब्स खत्म हो जाती हैं और अच्छी वेब्स आ जाती हैं जो उत्साह देती। इस आप मेडिटेशन के लिए कुछ क्षण बैठिए, कुछ मिनट बैठिए और उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, उसके बाद देखिए उत्साह के लेवल को। हमने अभी बताया कि ये चार महत्वपूर्ण हार्मोन जी, जिनको वैज्ञानिक आधार से आपने दिए, जो हैप्पी हार्मोन है जी। डॉक्टर लोग जब किसी को दिक्कत होती है तो यही दवाइयां लिखते हैं, दवाई लिखते हैं कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ाया जाए, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ाएं। और मैं कहता हूं कि आप मेडिकेशन की जगह, दवाइयों की जगह कुछ क्षण, कुछ मिनट ध्यान में, हार्टफुलनेस में, सहज मार्ग में आप लगा दीजिए, फिर देखिए आप। और यहाँ पर हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। रिजवान बोले नंदी जी, और आपने बड़ा अच्छा मतलब बातचीत शुरू की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि योग के अलावा भी आयुर्वेदिक में कोई खान पान में ऐसा है जिससे ये चारों चीजें जो है हमें लाभ मिले? आयुर्वेदिक में ऐसा भी है खान पान में जी? देखिए बहुत धन्यवाद, आपने समाज के लिए अच्छी बात पूछी कि हम अपने आहार में क्या परिवर्तन करें या कौन से ऐसे आहार हैं जो हमारे अंदर निगेटिविटी लाते हैं, हमारे उत्साह को कम करते हैं, हमारी खुशियां और प्रसन्नता पर डकैती डाल देते हैं। तो देखिए लीवर हमारा एक डाइजेस्टिव ग्लैंड नंदिनी जी, जी। और लीवर को जिगर कहते हैं, रिजवान जी मुस्लिम है जी, जिगर उर्दू का शब्द है, जिगर कहते हैं। और जब कोई दुबला पतला व्यक्ति किसी मोटे व्यक्ति को पटक देता है तो लोग कहते हैं जिगर वाला इंसान है, या कोई साधारण व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो लोग कहते हैं अरे वो जिगर वाला इंसान जी। इसका मतलब अगर हमारा लीवर मजबूत है, लीवर स्ट्रांग है, तो हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। हम आपको सलाह देंगे कि आप तला मसालेदार स्पाइसी डाइट का सेवन ना करें, तले हुए प्याज और लहसुन को खाने से लोग सब्जी में छोंक के, लोग दाल में छोंक के प्याज और लहसुन को खाते हैं, ये जब टमाटर को भी डाल देते हैं, ये जब हमारे स्टमक में जाता है तो हमारे पाचक ग्रंथियों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिससे लीवर कमजोर हो जाता है। आज नंदिनी जी आप देखिए लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, 10 में से दो तीन लोग कहते हैं साहब फैटी लीवर है जी। क्या है? लीवर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है और वो कमजोर होता जा रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि प्याज लहसुन टमाटर अदरक इनको तल के बिल्कुल नहीं खाइए, इनको कच्चा खाइए, ये अमृत के समान लाभकारी हैं। लेकिन जब ये तल दिए जाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को इनको पचाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, जिससे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कमजोर होते हैं, अतिरिक्त डाइजेस्टिव जूसेस खर्च होते हैं जिससे वीकनेस आती है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस तो बनते ही मिनरल्स और विटामिन्स से हैं जी। दूसरी बात ये है कि आप प्राकृतिक दिनचर्या का पालन करें, वक्त पर खाएं, दिन भर ना खाएं। इंसान एक ऐसा प्राणी है दिन भर खाना चाहता, खाना खा के उठा पान मसाला खा लेगा, कुछ ना कुछ समोसा खा लेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा। मैं आपको निवेदन करूंगा कि
भोजन में परिवर्तन करें और प्रातः के नाश्ते में अंकुरित अनाज, फल या ताजे फलों का रस का सेवन करें। ये हार्मोन्स आपके अंदर खूब बढ़ेंगे। और मुस्लिम होके भी इस मेडिटेशन में कोई ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, मेरा आपको सलाह है, ये तो केवल अपने ऊपर वाले को स्मरण करने का है। दाजी जी महाराज ने इसका इतना सहज रूप दिया है कि दुनिया के विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज, हजारों लाखों दुनिया के सैकड़ों देशों में लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, मुस्लिम देश दुबई में, जी जी, दुबई में हजारों भक्त हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दाजी जी महाराज कभी ये नहीं कहते कि आप अपने धर्म के विरुद्ध जाओ। वो कहते हैं ध्यान का जो पद्धति उन्होंने हार्टफुलनेस का जो बताया है जी, आप बस स्मरण करिए अपने अपने उसको, अल्लाह को जी, अपने भगवान को, अपने ईश्वर। इतनी सरल है नंदिनी जी कि सबका कल्याण कर सकते। तो मुझे लगता है इन सारी चर्चाओं के बाद में जितने भी नेगेटिव थॉट थे हमारे अंदर वो भी दूर हो गए होंगे, हमारा भी हार्टफुल हो गया होगा इतनी सारी बातों के बाद में। और फिर अगर इस मेडिटेशन के इस विधा की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मिथ दूर हुए, बहुत सारे जो हम सोचते थे सिस्टम था हमारा, बिलीफ सिस्टम, उसमें भी जो करेक्शन की जरूरत थी वो भी हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन जानकारियों को देने के लिए। तो इसी के साथ आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, अगले शनिवार फिर हो जाएंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। आप देख रहे हैं जी।